हरे कृष्णा। आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि आज है चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी, श्री श्री पाप मोचनी एकादशी मामा सबके। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना वर्ष संघ इस खान नासिक की ओर से प्रस्तावित यह पाप मोचनी के उपलक्ष्य पर विशेष सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, लोकसभा में स्थान मिलता है, राज्यसभा में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी हमें चुनते हैं तो हमें श्री श्री राधा गोविंद जी के मंदिर आंगन में, प्रांगण में, शाम का या एकादशी का विशेष भगवत गीता सत्र में स्थान मिलता है। इसीलिए जो श्री श्री राधा गोविंद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो श्रील प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवत गीता यह भगवत वाणी है, भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है। ये भगवान के हृदय से आने वाला उनका प्रेम है, उनका दया है, कृपा है, करुणा है। यह श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, पर मैं तो कहता हूँ यह है प्रेम का गीत, भगवान का जीव के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है। वो कह रहे हैं कि आओ लौट आओ मेरे पास, लौट आओ, क्यों मुझसे अलग आप तड़प रहे हो, क्यों मुझसे अलग रह के कष्ट अनुभव कर रहे हो, क्यों दुखी हो, आओ क्लेश छोड़ो, द्वेष छोड़ो और मेरे पास आओ। ते भगवान का संदेश है, भगवान कहते हैं आओ लौट आ जाओ मेरे पास। पर लोग को यह उपदेश सृष्टि के आरंभ में दिया है, भगवान ने 5,000 वर्ष पुनः दिया है। भगवान कहते हैं कि आप मेरे पास वाप आ जाओ, वापस आ जाओ, पर लोग कहने के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब भगवान का बुलावा आएगा, जब भगवान हमें याद करेंगे तब हम आएंगे। भगवान का बुलावा आ चुका है, बस देरी भगवान की ओर से नहीं, बुलावा आ चुका है, पर हमारा जो है भगवान के और चलावा नहीं हो रहा है, हम चल नहीं पा रहे। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, मुझे कहते हैं कि आओ लौट आओ मेरे पास। भगवान से अलग रहकर हम जब तक भगवान से दूर रहेंगे तब तक तड़पते रहेंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र परेशान था, क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान की योजना को समझ नहीं पाए। दुर्योधन परेशान था, क्योंकि वो भगवान को समझ नहीं पाया, भगवान की योजना को समझ नहीं पाया। और तो और अर्जुन भी परेशान हो, और उनके परेशानी का कारण उनके शब्दों से दिख रहा था। वो कह रहा था कि मैं पांडव हूं और दुर्योधन कौरव है। भगवान बोला अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भगवत गीता के दूसरे अध्याय आ जाओ, मैं बताता हूँ आप कौन हो। तो भगवान ने कहा आप ना तो पांडव हो ना तो कौरव, जो है दुर्योधन जो है कौरव है, आप भी आत्मा हो और दुर्योधन भी आत्मा है। इस सभा में जितने भी
युद्ध भूमि में जितने भी राजा है वो सब आत्मा है। और इस प्रकार से भगवान ने अपना जो है परिचय और उनका भी परिचय दिया। तो पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मेरा दुश्मन जो है कौरव है। भगवान बोलते हैं रुको 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 रुको, आपका दुश्मन कौन है मैं बताता हूँ। जब तक हम अपने आप को पांडव मानेंगे या कौरव मानेंगे या मराठी मानेंगे या गुजराती मानेंगे या अमेरिकी मानेंगे मानेंगे या रशियन मानेंगे या हिंदू या मुसलमान मानेंगे, हम परेशान रहेंगे। और जब तक हम भगवत गीता को ठीक से नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। पहले अध्याय में भगवान कहते हैं सैन्य निरीक्षण। सैन्य निरीक्षण जब होता है, जब फौज में सैन्य निरीक्षण होता है, पहले हम कौन है बताते हैं, तो हम आत्मा है ये पता लग गया। फिर खबर दुश्मन का, दुश्मन का खबर, तो दुश्मन कौन है, तो दुर्योधन कहता है कि दुश्मन पांडव के पक्ष है और अर्जुन बोल रहे हैं दुश्मन कौरव के पक्ष है। पर भगवान रुको रुको रुको, तीसरे अध्याय में मैं आता हूँ और बताता हूँ दुश्मन कौन है। तो बताते हैं दुश्मन कौन है, वो जानना है ना, तो पांडव है ना तो कौरव है ना तो पाकिस्तान है ना तो चाइना है, दुश्मन कौन है। तो कहते हैं कामेश क्रोधेश रजगुना भवान। जब तक हम सोचेंगे कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, वो पड़ोसी मेरा दुश्मन है, वो रिश्तेदार मेरा दुश्मन है, तब हम परेशान रहेंगे। भगवान कहते हैं दुश्मन कौन है, कामेश क्रोधेश, ये बाहर नहीं अंदर है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा चाइना एश पाकिस्तान एश आतंकवाद समतवा महाशनो महापाप नाम। भगवान तीसरे अध्याय में बता देते हैं दुश्मन कौन है, दुश्मन काम वासना है। अब चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं हम अपने कौन है, तो अर्जुन कहते हैं कि दुश्मन कौरव है और अपने कौन है, पांडव के पक्ष में जो भी है पांडवों के पक्ष में कौन है वो अपने हैं। भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में मैं बताऊंगा अपने कौन है, हमारे कौन है। तद्विधि प्रणिपाते न बलि प्रश्ने न सिद्धयोपदेशामिते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्व दर्शिनः। गुरुजन जो है हमें जो दिव्य ज्ञान देते हैं वो ज्ञानी तत्वदर्शी, वो हमारे अपने हैं। इस संसार में हम सब जीवों के लिए भगवान ने हमारे अपने गुरुदेव को जो है भेजते हैं। और आज के अध्याय में बताएंगे सुहृद कौन है, भगवान और गुरु को छोड़कर हमारे अपने कोई नहीं है, सब भगवान के हैं। पहले अध्याय में अर्जुन कहता है ये तेरा है या मेरा है, दुर्योधन भी कहता है तेरा है मेरा है, और धृतराष्ट्र भी कहता है तेरा है मेरा है। मैं भगवान बोले अरे ये सब मेरा है, आप भी मेरे हो, आपके पास जो भी है वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, उनके पास जो भी है वो मेरा है, तेरा है मेरा है कहाँ से आ गया। जब तक हम तेरी है मेरी है करते रहेंगे हम तब तक परेशान रहेंगे। जब हम कहेंगे ना तो तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है, तो हम खुश रहेंगे। तो पहले अध्याय से बाहर निकलना है हमको, हमको दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और आज पांचवे में जुड़े। ये तेरी है मेरी है कुछ छोड़ दो, क्योंकि कहने वाले खूब सुंदर कह गए और कहते हैं कि दरबार में ऊपर वाले की, दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर है नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें पहले अध्याय से भाव निकलना है, तेरी है मेरी है मैं नहीं फंसना है, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। और जो बेवकूफ होते हैं वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं और गाते भी हैं,
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? अरे भगवान कहता है तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। वो बोलते हैं वो इतने बेवकूफ हो जाते हैं, वो गाते हैं और भी लोग भी गाते हैं, मैं कहाँ से आया, कौन हूं मैं? अरे भगवान कहते हैं तू है आत्मा, तू है आत्मा, तू है आत्मा, आत्मा आत्मा, ब्रह्मांड ब्रह्मेते कौन होगा जवान जे, आत्मा 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 आत्मा। तो उनको ये भी पता नहीं वो कौन है, और वो चिल्लाते चीखते, अरे भक्तो मुझे ये बताओ कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, कौन 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 कौन? तो भगवान बोलते हैं तू है आत्मा 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 आत्मा। ये दूसरा अध्याय है। तो हम अब चलते हैं पांचवे अध्याय की ओर। पांचवे अध्याय में भगवान बताते हैं हमारे अपने कौन है। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा भूमिका देते हैं। अर्जुन के मन में फिर से थोड़ा सा शंका आता है कि मुझे करना क्या है। प्रभुपाद जी एक बंगाली जो है कथन करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे हमें हम जब भी विचलित हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, खाना है नहीं खाना है, जाना है नहीं जाना है, करना है नहीं करना है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, ऐसा अगर द्वंद में आ जाए तो मत खाओ, पर दिसंबर के महीने में बंगाल में भूख लगता है तो खाऊं या ना खाऊं तो जरूर खाओ, ठीक है? अब जाऊं या ना जाऊं, द्वंद में आते हैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो ऐसे द्वंद में आए तो मत जाओ, पर जब पेट में गड़बड़ हो जाए और बंद दरवाजा खुलने ही वाला है तो जरूर जाओ। और तीसरी बात बोलते हैं करूं या ना करूं, ये द्वंद अगर आ जाए करूं या ना करूं, तो भगवान तो ऐसा द्वंद में आ जाए करूं या ना करूं तो मत करो, पर अगर भगवान कहे तो जरूर करो। पर अर्जुन जो है ये विचार में, वो सोच में, आप कहते हो दिव्य ज्ञान को आप प्राप्त करो और दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपना जीवन व्यापन करो, पर एक ही साथ आप ये भी कह रहे हो कि आप युद्ध भी करो, तो मुझे करना क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूं। अभी अर्जुन जो है उनके पहले अध्याय से भगवान की योजना से थोड़ा हटकर उनका मन चल रहा था, वो सोच रहा कि ये युद्ध में लड़ूंगा नहीं, मैं जंगल में जाऊंगा, मैं जो है सन्यासी बनूंगा, भिखारी बनूंगा और भगवान के इस योजना में भाग नहीं लूंगा। तब से वो दुखी था। जैसे ही हमारा मन भगवान की योजना से अलग हो जाएगा तब से हम परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। आज हम अपने आप को टटोल कर देखेंगे मैं परेशान हूं, तो फिर सोच लेना चाहिए जरूर हमारा मन भगवान की योजना से अलग है। तो अर्जुन जो है तब से लेके अब तक यही विचार ले रहे हैं भगवान से अलग अलग तरीके से पूछे। मैं आप कहना दिव्य ज्ञान प्राप्त करो, तो मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल जाता हूँ। बोला नहीं रुको, आपको निष्काम कर्म योग या कर्म के मार्ग में लगा रहना चाहिए। बोलते नहीं कर्म के मार्ग में आप मुझे लगा क्यों रहे हो? तो ये प्रश्न चलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि आप जो है कर्म के मार्ग में लगे रहो, क्योंकि आप अगर कर्म करोगे दुनिया के सारे लोग कर्म कर। अर्जुन का ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है कि पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन जो करेगा पूरा ब्रह्मांड करेगा, कि वो दो व्यक्ति कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, मान लो अर्जुन संन्यास लेने के लिए जंगल जाएगा तो 18 लाख में सबके सब चले जाएंगे, केवल दो बचा रहेगा, एक भीम और दूसरा दुर्योधन, देव धनादन वो युद्ध करेंगे, यहां तक कि भीष्म पितामह भी उनके पीछे चले। अर्जुन का ऐसा प्रभाव है, इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं यदि आचरते श्रेष्ठ, आप अगर मंगल आरती में आओगे अर्जुन तो पूरा ब्रह्मांड मंगल आरती में आएगा।
अगर आप दाहिने हाथ में जप माला लेओगे और सोलह माला जप करोगे, पूरा ब्रह्मांड सोलह माला जप करेगा। अर्जुन का ऐसा प्रभाव है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप संन्यास के योग्य हो, पर बाकी 18 लाख अक्षरी वाली सेना में मान लो वो परिपक्व नहीं है और वो संन्यास के लिए जंगल जाएंगे, रात भर पी जाएंगे, फिर सुबह बोलेंगे मुझे थोड़ा सा, उन दिनों में दूध पी लेते, दूध चाहिए और थोड़ा सा बच्चों का मुंह देखना है, तो फिर ना तो घर के होंगे ना आपके होंगे। अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेना ठीक नहीं, पर आप रोज मंगल आरती उठो और सोलह माला जप करो, आपके देखते देखते कर्म के मार्ग में लगे रहेंगे। कर्म के मार्ग में जब लगे रहते हैं तो क्या होगा, यज्ञ होगा, दान होगा, तप होगा, भक्तों को दान दिया जाएगा, थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ होगा, और जहां पे यज्ञ होगा, दान होगा, तप होगा, मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा वो दिव्य संख भगवान अनुभव करते वो हमें प्राप्त होगा। तो ये भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन से कि आप संन्यास के लिए जाओगे अपरिपक्व अवस्था में, मन अपवित्र होगा, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जब मन पवित्र होगा, केवल कपड़े बदलने से या स्थान बदलने से दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप घर में बैठ के यज्ञ दान तप करोगे, सेवा करोगे, तो ये मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा दिव्य ज्ञान प्राप्त। ये चर्चा जो है चल रहा है। ये भक्ति जो है बड़ा सुंदर है। आज हमने बहुत समय पहले एक सुंदर सा लेख देखा था, आप लोग भी देखे होंगे, और ये बहुत समय से व्हाट्सएप इत्यादि में चलता रहता है। ये कहते हैं कि अगर हम भक्ति इतना सरल है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है, सरल है, पवित्र है। अगर हम भोजन को भक्ति के साथ मिला दें तो ये भोजन क्या हो जाएगा, प्रसाद। पानी को अगर भक्ति से मिला दे तो पानी हो जाएगा अमृत। और हम जो चलते फिरते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, उसे भक्ति के साथ जोड़ दे तो हो जाएगा परिक्रमा। अगर हम म्यूजिक खेलते हैं, कीर्तन करते हैं, म्यूजिक बजा बैंड इत्यादि बजाते हैं, वो भक्ति के साथ करेंगे तो वो कीर्तन हो जाएगा। और अगर अगर हम घर में हैं, गृहस्थों के लिए अगर हम घर में हम भक्ति करेंगे, वो घर घर नहीं रहेगा, वो घर बन जाएगा मंदिर, जैसे आज भजन चल रहा था। तो इस प्रकार से हम जो भी कार्य करेंगे, मान लो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, अगर वो कार्य करते करते भक्ति करेंगे तो वो कार्य कार्य नहीं बनेगा, वो सेवा बन जाएगा। अगर हम चल रहे हैं पर भक्ति के साथ चल रहे हैं, वो चलना चलना नहीं, वो परिक्रमा होगा। एक एक पग में अश्वमेध एक जैसा से जो लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा, कृष्ण के आप नजदीक जाएंगे। अगर हम मीटिंग भी कर रहे हैं तो भक्ति के साथ मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग मीटिंग नहीं, वो सत्संग बन जाएगा। तो ये भक्ति बड़ा सरल है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, सुल अभियाने की इसे सरल और सुलभ कहते हैं। तो कहते हैं बहुत आसान है, भक्ति योग इज वेरी सिंपल प्योर एंड इजी, यानी कि भक्ति योग बहुत आसान है, पवित्र है और सरल है। ये जैसे हम लोग ने कीर्तन किया, कीर्तन में हाथों से तालियों का सेवा किया, थोड़ा झूमा और गाए, इसमें कोई कठिनाई थी नहीं। तो भक्ति इतना सिंपल है, और ये करते 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 बड़े बड़े दुरात्मा महात्मा बन गए हैं, और कदम कवे जो है परमहंस बन गए हैं। ये भक्ति का मार्ग इतना सरल है। प्रभुपाद जी ने भक्ति के मार्ग में केवल प्रसाद और हरे कृष्ण महामंत्र देकर हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, और जापानीज़ों को जापान में लगाया, जीरो को हीरो बना दिया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं पुराने जमाने में, यानी कि आज से 50 साल, ज्यादा पुराना भी नहीं, चाया गीत करके गीत आता था, एक चलता था, उसमें मैं देखता था हीरो जो है सड़कों में नाचता था, तो मैंने कहा ये हीरो ही नाच सकता है। पर प्रभुपाद जी की कृपा से रोज हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं 8 घंटे के लिए, हम लोग जो है जो जो हीरो करता है, मतलब जीरो लोग, हम जीरो जो है नगर संकीर्तन करते करते हीरो हो गए। मैं देखा करता था कि फिल्मों में हीरो जो है माइक में ऐसे सिखाता रहता है ऐसे, तो
की कृपा से मंदिर में ज्यादा भक्त नहीं रहते, हम तो आज गाना पड़ेगा, आज क्या रहेंगे, ठीक है तो हम भी माइक में। तो प्रभुपाद जी जो है जीवों को हीरो बना देते हैं, अगर कबे को परमहंस बना दिए, गलती का मार्ग इतना सरल है। तो आइए, भगवान कह रहे हैं इसलिए, पर ये इस मार्ग में लगे रहेंगे, धीरे 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 मन जो है पवित्र हो जाता है। पर अगर आप केजी क्लास के बच्चे को सीधा पीएचडी में डाल दो, वो बच्चा ना तो केजी क्लास पास करेगा ना तो पीएचडी को पास करेगा, है ना। इसी प्रकार से आप अभी आप सीधा, क्योंकि जो अर्जुन करेगा सब करेंगे, अर्जुन अगर संन्यास लेने जाएगा उसके पीछे पूरा 18 लाख अक्षरों क्या पूरा ब्रह्मांड जाएगा। फिर बाद में किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने का मन किया, नेटफ्लिक्स देखने का मन किया, तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो ना घर के ना घाट के होंगे, वो सदाचारी नहीं होगा, वो मिथ्याचारी हो जाएगा, वो व्याधिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे क्रमशः उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड केजी से फर्स्ट, फर्स्ट से फिफ्थ, फिफ्थ से टेंथ, लिख जाओ लिख जाओ, एक दिन वो पीएचडी जरूर करेगा। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं सीधा संन्यास लेने जाओगे, आपके पीछे सब संन्यास लेंगे, पर उनको धीरे धीरे मंगल आरती कीर्तन में लगाओ, एक दिन वो जो है मन पवित्र हो जाएगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। जो पवित्र हृदय से संन्यासी जो आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार का आनंद और वो भी करेंगे। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। तो इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इसे जो है समझने के लिए, इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में विभाजित करेंगे। मैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 बोले, एक एक चारों कोने से चार लोग भाग गए हैं। तो ये विभाजित किया जा रहा है इस अध्याय को, बड़ा सुंदर अध्याय है। आप लोग बैठे रहिए, धैर्य रखिए, बहुत सुंदर अद्भुत विलक्षण है ये अध्याय है। आइए विलंब ना करते हुए इसमें पता लगाते। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन वाच संन्यास कृष्ण पुनर्योगम शशि यक्षयो एतयोर एकम् तान् रुवि निश्चितम्। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं सन्यासी बनाऊं, या आप कह रहे हो कि युद्ध करो, क्या करें। भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंत में कहते हैं उत्तिष्ठ, आप युद्ध करो, दिव्य ज्ञान प्राप्त करके लड़ाई करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, पढ़ाई करना है लड़ाई करना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भगवद गीता में 4 बार उत्तिष्ठ कहते हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में उत्तिष्ठ कहते हैं और 2 बार, और चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ और 11वें अध्याय में 1 बार उत्तिष्ठ कहते हैं, 4 बार उत्तिष्ठ, क्योंकि जीव जागो गोरा चांद बोले। तो इस प्रकार से जो है कह रहे कि मुझे करना क्या है, संन्यासम मैं संन्यास हूं या कर्म के मार्ग में लगा रहूं, मुझे बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, या मैं निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगा रहा हूं, कृपा करके बताइए श्रेयस क्या है। श्रेय एक होता है, प्रेयर से एक होता है, जो मेरे लिए अच्छा है वो श्रेयस है, जो मुझे अच्छा लगता है वो प्रेयस है। जैसे एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, अब फिर उसका शरीर खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो ठीक नहीं है, वो प्रेयस है। छोटे बच्चे को जो अच्छा लगता है खेलना वो प्रेयस है, पर माँ कहती है कि आप पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई करना क्या है, श्रेयस है। वो एक दिन बड़ा होगा, फिर कितना आइसक्रीम चाहना है वो खाता रहेगा। तो श्रेयस और प्रेयस, मेरे लिए श्रेयस का क्या है, अर्जुन दूसरे अध्याय से लेके हर बार श्रेयस 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 करता है, क्योंकि अर्जुन जो छोटा मोटा होता है, जो भी वो चुनता है वो श्रेष्ठ चुनता है, वो जो भी सोचता है बड़ा सोचता है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा एक कमजोरी है, मैं जो भी सोचता हूँ बड़ा सोचता, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए होता है। बड़ा यानी कि बृहद से आता है, बृहद का अर्थ होता है बृहद जो है, बृहद से ब्रह्म आता है। बड़ा सोचने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, और वो बड़ा कहीं केवल बड़े लोग जो बनना चाहते हैं वही बड़ा सोच सकते हैं। तो अर्जुन एकदम खास सोच रहा था, भगवान के बारे में सोचना ये सबसे बड़ा सोच है, छोटा
छोटा मोटा सोच, कहाँ पे लॉटरी लगेगा, कहाँ पे नौकरी लगेगा, कहाँ पे और कुछ लगेगा, नहीं 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 वो खाना पीना वो सब अपने आप मिल जाएगा। बड़ा सोच क्या है, भगवान सबसे बड़े, इसके बारे में सुझाव, पर इसके लिए हिम्मत लगता है। और ये सब आप निगड़ी वासियों के अंदर है। निगड़ी वासी वो है जिन्होंने अपना बिगड़ी बना दिया, वही रहते निगड़ी में। अभी आप सब निगड़ी वासियों को अपने निगड़ी वासी मनुष्य जन्म होलो जहां जन्म सार्थक करे सबका बिगड़ी सुधारने के लिए, आप लोग को निगड़ी में जन्म मिला। तो सुनने कह रहा था ये कि श्रेयस हमको पता होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। और अच्छा क्या है, बड़ा विचार, बड़ा विचार करने के लिए हिम्मत चाहिए, यानी कि भगवान के बारे में सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। ये आप सबके अंदर हिम्मत है, इसलिए आप निगड़ी वासी यहाँ पे बैठे हैं। और आप निगड़ी वासी थोड़ी देर में हिम्मत और बढ़ाकर सबके बिगड़ी को बढ़ाओ, इसलिए आपको मिला है निगड़ी। तो इस प्रकार से अर्जुन का ये जो प्रश्न है, अर्जुन सोच रहे हैं मुझे करना क्या, आप कृपा करके बताओ। तो भगवान कहते हैं बड़ा सुंदर बात, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, यानी कि श्री का अर्थ है सुंदर, भगवान का अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बात हम बताने वाले हैं, कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण बात होगा। अर्थात इससे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, संसार में कोई किसी का सुनता नहीं है, पर साधारण लोग जो है तीन लोगों का जरूर सुनते हैं, एक है नाई, वो बोलते हैं थोड़ा सा ऐसा करो थोड़ा सा वैसा करो तो वो करते हैं ऐसे, और दूसरा होता है मेकअप वाला, तो मेकअप वाला बोलते हैं थोड़ा सा ऊपर ऐसा करो तो वो करते हैं, और तीसरा होता है टेलर, टेलर पे हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर करते हैं, पर बाकी किसी कोई किसी का नहीं सुनते। पर जब श्री भगवान वचन होता है तब वेद व्यास मुनि का ये अभिप्राय है, हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, अर्थात हमें कमर कस के बैठना चाहिए और पीठ के हड्डी को सीधा रख देना चाहिए, चित्त को एकाग्र करना चाहिए, इधर उधर के बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के जो है कार्य को त्याग करके एकदम एक शब्द में एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करें। संन्यास कर्म योग निश्रेयस्य तयो तु कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्यते। ये दोनों कर्मयोग और संन्यास से लाभ मिलेगा। संन्यास से जो लाभ मिलेगा, भगवान के दिव्य नाम रूप कुंड लीला पवित्र मन में दिखाई पड़ेगा, और वही लाभ निष्कर्म योग मार्ग से भी प्राप्त होगा। पर अर्जुन आपके लिए संन्यास अब ठीक नहीं है, क्योंकि आप संन्यास लोगे तो पूरा ब्रह्मांड संन्यास लेगा। संन्यास तब लिया जाएगा जब मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तब दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। पर निष्काम कर्म योग के मार्ग में कोई रहेगा, वो धीरे 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 यज्ञ दान तप करते हुए, वो कितना भी बड़ा लंपट क्यों ना हो, द्वेषी क्यों ना हो, या लोभी क्यों ना हो, काम क्रोध लोभ से भरा क्यों ना हो, अजामिल काम से भरा हुआ था, दीदी क्रोध से और चित्रकेतु लोभ से, भागवतम के छठे अध्याय में देखते हैं छठे स्कंध में, पर भक्ति में इतना शक्ति है, अजामिल संत हो गए, अजामिल यानी कि आगे जाके दीदी भी भक्त बन जाते हैं और चित्रकेतु, लंपट से लंपट व्यक्ति, लंपट तो नहीं है पर ययाति महाराज का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि इतने समय जो है वो अपने पुत्र का भी यौवन को अपने साथ ले लेता है, और जो है देवयानी के साथ समय, पर वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगा था, रोज मंगल आरती आता था, कभी कभी लेट आता था पर आता था, और
जन्माष्टमी में डोनेशन किया करता था, रथ यात्रा में डोनेशन किया करता था। इस प्रकार से यज्ञ दान तप करने के कारण धीरे 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 एक दिन वो इतना विरक्त हो गए तो ययाति महाराज महात्मा जैसे हो गए। तो यह है निष्काम कर्म योग मार्ग। और इसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि संन्यास लिए, पर मनिका के पायल के झनकार से फिर से, और तो वामन आता शौर्य ऋतिका, वो जो है मानदाता के 50 राजकुमारियों से विवाह किया। तो आप घर में रहो अर्जुन, और वो सोलह माला जप करो, आपका नकल करके पूरा ब्रह्मांड जो है इस प्रकार से। तो दोनों का लाभ वही है, मन पवित्र होगा और भगवान का जो है दिव्य गुण नाम रूप गुण लीला हृदय में प्रकट हो जाएगा। पर अभी के लिए अर्जुन आप जो है क्या निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रही। ज्ञान हेशा नित्य संन्यासी यो ना द्वेषति ना कांक्षति निर्द्वंद्व हि महा बाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। संन्यास उसको वो उन्हें लेना चाहिए जो संसार में किसी के प्रति राग ना द्वेष रखता हो। वो ऐसे व्यक्ति जिसका मन पवित्र हो वो संन्यास लेगा। संन्यास लिया मतलब संसार में वापस नहीं आना है। ऐसा अगर पवित्र मन है तो जरूर आप संन्यास लीजिए, परम सुख को प्राप्त कीजिए। और ये संन्यास से जो लाभ मिलेगा वही लाभ निष्काम कर्म योग के मार्ग से भी मिलेगा। और जो व्यक्ति कहता है कि संन्यास अलग है और कर्म का मार्ग अलग है, वो कम बुद्धि वाला है, बालक है। तो तीसरे चौथे श्लोक में सांख्या योग पृथक बाल प्रवदंती ना पंडिता एकमापि अस्तित सम्यगुभयोर् विन्दते फलम। संन्यास के बाद अगर मन पवित्र होगा, संन्यास लेंगे तो भगवान का दिव्य नाम रूप कुंड लीला मन में प्रकट होता है। और इसी प्रकार से निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहेंगे तो एक दिन जो है भगवान का जो है दिव्य नाम रूप गुण लीला हमारे मन में प्रकट होता है। पर जो व्यक्ति कहता है कि ये दोनों अलग है, यद सांख्या प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग्यम चान यपश्यति सपश्यति। और जो कहता है कि ये दोनों अलग है वो कम बुद्धि वाले हैं, बालक है। और जो कहता है कि सांख्य योग और निष्काम कर्म योग से एक ही लाभ मिलेगा, वो वास्तव में सही में हर चीज को देख रहा है। पर ये संन्यास के मार्ग तो है थोड़ा दुखदाई है। तो अर्जुन पूछते क्यों दुखदाई है। संन्यास तुम आभाव दुखम आप तुम अयोग्यता योग युक्तम निर्ब्रह्मा ना जी ना अधिगच्छति। क्योंकि संन्यास के मार्ग में अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में चला जाएगा, बोले चाहे चाहिए तो गया काम से। एक बार संन्यास लिया, नो मोर कांदा लहसुन, नो मोर चाय कॉफी, स्त्री को स्पर्श नहीं करना है या पुरुष को स्पर्श नहीं करना है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, पवित्र जीवन में अपन करना है। इसलिए क्योंकि सन्यासी भी इंसान होते हैं, उनके भी इंद्रियां होते हैं, उनके भी मन होते हैं, और पवित्र जब होगा तो ये सब गंदे विचार नहीं आएंगे। पर अपवित्र अवस्था में केवल कपड़े बदलकर कोई संन्यास लेता है तो वो रावण जैसे संन्यास बन जाएगा या इंद्र जैसे संन्यास बन जाएगा, जो नाम के जो है योगी होते हैं पर वास्तव में वो भोगी होते हैं, वो नाम के साधु होते हैं पर है वास्तव में स्वाधु संसार को जो है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन आप जो है निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहिए। निष्काम कर्म योग का मार्ग भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। प्रभुपाद जी ने किसको क्या बना दिया, हिप्पी को हैप्पी बना दिया, ऋषि को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बना दिया, और जापानीज को जापा में लगा, दुखियों को सुखी बना, जीरो को हीरो बना दिया। तो ये लगे रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कृष्ण, आप ये निष्काम कर्म योग का इतना गुणगान कर रहे हो तो ये
जो निष्काम कर्म योग मार्ग में जो लगे रहते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिया भूतात्मा कुर्वानापि न लिप्यते। इस प्रकार से ये वर्षों में सन्यासी के लिए करें, सन्यासी जो है तो इस प्रकार से जो योग जो निष्काम कर्म योग मार्ग में लगा रहता है वो धीरे 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 वो जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है एक टापू जिसका नाम था रत्नाकर वो क्या बन गया, वाल्मीकि। अब किसी को मारना लूटना छोड़ दिया, और एक जो है शिकारी था उनका नाम था मृगारी, वो कैसे पवित्र हो गया। वो धीरे धीरे जितेंद्र अपने इंद्रियों के ऊपर काबू प्राप्त कर लेता है, सर्व भूतात्मा सारे जीव को भगवान के अंश मान लेता है, और इस प्रकार से उसका मन भी पवित्र हो जाता है। तो निष्काम कर्म का मार्ग जो है बहुत सरल है, आसान है, और रिजल्ट गारंटी हमको प्राप्त होगा, तो इसमें लगे रहिए। नैव किंचित करोमिति युक्तमान्यते तत्त्ववेत् पश्यामि श्रृण्वामि स्पर्शं जिघ्रामि स्नानं गच्छामि स्वपनं श्वासम्। और जिस प्रकार से वो योगी धीरे धीरे वो जो है शुरू में जो है आदो श्रद्धा तथा साधुतन करते 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 वो निकृष्ट अवस्था उत्कृष्ट अवस्था में आ जाता है, और शुरू शुरू में जो है वो मध्यम अधिकारी होता है या कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ मध्यम फिर उत्तम आएगा गारंटेड। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो समझ जाएगा मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूं। और वो इतना देखेगा जैसे हम लोग जो है निगड़ी ये शहर में है तो हमको पता है मैं निगड़ी शहर में निवास करता हूं, मैं निगड़ी नहीं हूं। तो इसी प्रकार से वो जान लेता है मैं ये शरीर रूपी शहर में रहता हूं जिसमें नौ द्वार है। नौ द्वार क्या है, दो आंख दो कान दो नाक और एक मुंह, और नीचे से हम आउटपुट करते हैं वो क्या है उदर उपस्थ। हाँ, एक जगह से पेशाब जाता है तो एक जगह से लिक्विड जाता है तो दूसरे से सॉलिड जाता है, तो ये आउटपुट तो नौ द्वार है हमारा। तो उनको पता लग जाता है, और वो इनको इतना पता लग जाता है कि मैं किसी चीज को स्पर्श नहीं कर रहा हूं। स्पर्श क्या कर रहा है, हाथ कर रहा है। मैं किसी चीज को देख नहीं रहा, कौन देख रहा है, आंख देख रहा है। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं। और जमीन को कौन स्पर्श कर रहा है, टायर स्पर्श कर रहा है। आवाज कौन कर रहा है, पौं पौं, वो हॉर्न कर रहा है। और हवा जो लग रहा है वो मुझे नहीं लग रहा है, किसको लग रहा है, खिड़की को लग रहा है। तो इस प्रकार से गाड़ी के अंदर हम जब बैठते हैं तो इस प्रकार से हमें आभास होता है कि मैं जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा हूं। उसी प्रकार से धीरे 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 निष्काम कर्म योग मार्ग में रहने से चेतना उन्नत होता है, हमें पता लगता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा हूं। मैं चल नहीं रहा हूं, मेरा पांव चल रहा है, मेरा पांव जो है जमीन को स्पर्श कर रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे आंखें जो है देख रहे हैं सर। तो इस प्रकार से जो है वो साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं धीरे 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 धीरे। उनको इस संसार में रहते हुए, वो संसार में रहते हैं पर संसार के नहीं होते हैं। जैसे पानी में नौका है, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, पर नौके में पानी नहीं होता है। इस प्रकार से वो हो जाता है पानी में नौका जैसे हो जाता है, संसार में रहते पर संसार उनके मन में नहीं आता है। तो इस प्रकार से प्रलाप विसर्जन गृहनान उन्मिषान निशान अभी इंद्रियानि इंद्रिय अर्थेषु वार्तांत इति धारयान। वो देखता है कि आंख बंद होता है तो खुलता है, पर ये आंख का काम है, इंद्रिय जो है इंद्रिय वस्तु से मिल रहा है, मैं जो है शरीर के अंदर रहने वाला एक आत्मा हूं। नौ द्वार वाले यह शहर में मैं हूं, इस प्रकार से उनको बोध होने लग जाता है। धीरे धीरे उनका चेतना इतना उन्नत हो जाता है कि संसार के जो दुख है वो उसका आभास होता नहीं है। दुख अपने जगह में है क्योंकि भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, दुख है पर उनको दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं तो हवाई जहाज ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, एक समय आता है गगनचुंबी इमारत है ना, स्काई स्क्रेपर,
मैच बॉक्स से डिपेंड जैसे हो जाता है, फिर सिंगदाना जैसे हो जाता है, फिर राई के दाना, फिर बाद में दिखता नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो उस गगनचुंबी इमारत गायब हो गया, वो है, पर हमारा फ्लाइट बहुत ऊपर है। इसी प्रकार से संसार में दुख है, पर हमारा चेतना इतना उन्नत हो गया कि ये सब जो है दुख, इसीलिए भक्ति में लगे रहना है। और थोड़ी देर की बात है, हम इतना इतना उन्नत हो जाएगा, संसार के जो दुख है हमें कभी ये जो है परेशान नहीं करेगा, तो लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी अदया कर्माणि संगम त्यक्ता करो दिया लिप्तति न स पापे न पद्मा पत्र एवं बस। इस प्रकार से वो संसार में रहेगा पर संसार उनके मन में नहीं, जैसे कमल का पत्र पद्मा पत्रम एवं बस। अंबसा का पत्र पानी में जो है कमल का पत्ता रहता है, पर कागज का एक पत्ता लगा दो थोड़ी देर में वो पानी में पिघल जाएगा, और आयरन का लोहे का पत्ता रखो तो पानी में डूब जाएगा, सड़ जाएगा। पर कमल का पत्र पानी में रहेगा पर पानी में घुल मिल नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो भगवान का भक्ति करेगा वो संसार में रहेगा पर संसार में घुल मिल नहीं जाएगा, पर जो भगवान का भक्ति नहीं करेगा वो संसार में रहेगा थोड़े देर के लिए, फिर बाद में संसार में डूब जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा, जन्म लेगा और सड़ जाएगा और मर जाएगा और सड़ जाएगा। इसीलिए भगवान का भक्ति करो, इसीलिए पद्म पत्र अम्ब समय नहीं कर रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पानी में नौका है, ठीक है, पानी में नौका ठीक है या निगड़ी में बात कुछ बिगड़ी है? पानी में नौका ठीक है पर नौके में पानी। इसी प्रकार से हम संसार में है ये ठीक है, पर संसार हमारे अंदर में है ये ठीक नहीं है। मेरी माँ ने ऐसा बोला, मेरे पिताजी ने ऐसा बोला, मेरे पड़ोसी ने ऐसा बोला, मेरे जो है रिश्तेदार ने ऐसा बोला, वो मेरे वैसे दुश्मन होना नहीं चाहिए फिर भी उसने ऐसा बोल दिया। अरे बोल दिया तो बोल दिया, उसका मुंह था, भगवान ने उनको मुंह दिया, भगवान ने आज्ञा दिया बोलने के लिए, वो बोल दिया। पर भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ना, तितिक्षवा 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 भक्त बनिए, ठीक है ना। तो संसार में रहेंगे, कोई कुछ भी बोले, हमारा मन बिगड़ता नहीं है। तो यह है नौके में ने पानी में नौका। तो इस प्रकार से पद्म पत्र इमाम बसा, ऐसा उनका जो है हो जाता है जीवन। काये न मन सब दया केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मा शुद्ध्यते। इस प्रकार से वो धीरे धीरे उनको पता लग जाता है, वो अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, मन से अलग हो जाता है, वो बुद्धि से अलग हो जानता है, मैं ना तो शरीर हूँ, ना तो मैं मन हूँ, ना तो बुद्धि, मैं भगवान का अंश आत्मा हूँ, मैं भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। इस प्रकार से उनका मन पवित्र हो जाता है। ये उनके लिए जो धीरे धीरे केजी क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो सीधा, तो इस निष्काम कर्म योग में ये लाभ है। कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से, एक समय था हम जो है कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, फिर इस्कॉन में आए तो भगवान का नाम लेने लगे 5 मिनट, फिर कुछ देर बाद 2 घंटा नाम लेने लगे। इस प्रकार से धीरे 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 क्रमशः एक दिन आएगा 24 घंटा हम भगवान का नाम में लगे रहेंगे। इसलिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम आयुक्त काम कारे न फले सत्तो निबध्यते। इस प्रकार से हम जो है भगवान की सेवा में लगे रहे, हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी से लाभ मिलेगा वो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम जिएंगे तो शांति का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वासी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वाणो नाकारयान। जो सुख संन्यासी, जो पवित्र हृदय वाला संन्यासी अनुभव करता है, उसी प्रकार का सुख वो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी बनकर प्रेमी भक्त बन जाएगा। साधु श्रद्धा से, साधु संघ से वो प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए जल्दबाजी मत करो, लगे रहो, हो जाएगा, हो जाएगा।
हम लोग इतने सारे कार्य कर रहे हैं, है ना, कार्य कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ प्रकृति के अंतर्गत हम सब कार्य कर रहे हैं, तो कौन कार्य कर रहा है? भगवान कहते हैं कि प्रकृति करता है, और प्रकृति भगवान के हाथ में, तो बोला भगवान आप ही सारे कार्य कराते हो? तो भगवान कहते हैं नहीं, ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजाते प्रभो ना कर्म फला संयोगं स्वाभाषा तु प्रवर्तते। इस संसार में लोग इधर उधर भागते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई भाग दौड़ करता है, कोई सोता रहता है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में, रावण कुंभकर्ण और विभीषण जैसे, है ना, ये तीन भाई तीन तीन गुणों का अच्छा फिट हो जाते हैं। पर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं वो तीनों गुणों के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा किया कर रहे हैं। रावण के अंदर थोड़ा रजोगुण ज्यादा है, इसलिए वो स्त्री और पैसे के पीछे भाग रहे, और विभीषण के अंदर सतोगुण ज्यादा, तो पढ़ाई करता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, और वो था कुंभकर्ण जो है उसको तमोगुण ज्यादा, ज्यादा देर सोता रहता है, उसको उठाएगा तो गाली गलत देगा, सर सो रहे हो। और आप लोग जाते हैं ना कभी-कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि देखो ना मेरा बेटा क्यों इतना चिल्लाता है, अरे टैबलेट का टैबलेट, वो बेटा जो है तमोगुण में था, गाली गलत दे रहा था, वो टैबलेट खा के फिर तमोगुण में चुप रहता है, तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे वाह मेरा बेटा बहुत शांत हो गया। अरे वो तमोगुण के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसे तमोगुण से रजोगुण में लाने के लिए भक्ति का योग में जोड़ना होगा। पर भक्ति का योग करते करते मेडिसिन भी लेते रहो, ऐसा नहीं कि मेडिसिन नहीं करोगे, तो धीरे धीरे हिप्पी को अगर प्रभुपाद जी ने हैप्पी बना दिया तमोगुण से, इतना शुद्ध सत्व मिला है, गारंटी काम करता ही है। तो इस प्रकार से जो है ये तीन गुण जो है सबको नचाते हैं, पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये तीन गुण आपके हाथ में है, इसका अर्थ है आप ही सबको, ये सारे कर्म के फल आपको ही लगना चाहिए। बोलते हैं नहीं 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 ये कर्म का फल मुझे नहीं लागू होगा, क्योंकि क्योंकि जो है ये कर्म का फल वो जीवात्मा को जाता है, क्योंकि जीवात्मा इच्छा करता है, उनको मैंने दो छूट दिया, माया का सेवा करो या मेरा सेवा करो, तो जीवात्मा अगर कहेगा कि माया का सेवा करो, तो ये तीन गुण उनको नचा के रहेगा, तो कर्म का फल उन्हीं को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ना दत्ते कश्चित् ना दत्ते कस्याचित् पापम ना चैव सुकृतिम् विभो अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेनाह्यते जन्तवा। मुझे कोई पाप और कोई पुण्य नहीं लगता है, ये पाप और पुण्य जीवात्मा को लगता है, जो भगवान का सेवा करे या ना करे वो उनको लगता है, मुझे ये जो है पाप पुण्य कभी नहीं लगता, मैं इन सबके परे हूँ। ज्ञाने ना तु तद अज्ञानम एषा नासीताम आत्मना तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशाति तत्परम। और वो जीवात्मा अगर मेरा भक्ति करेगा, मंगल आरती आएगा, 16 माला जप करेगा, धीरे 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 ज्ञान उनके हृदय में प्रकाश आएगा, और एक दिन ज्ञान आएगा तो उनके हृदय के अंदर जो अज्ञान है वो तुरंत दूर हो जाएगा। वो कमरा भले 7 दिन के लिए बंद हो या 7 साल के लिए बंद हो या 70 साल के लिए बंद हो, जैसे ही स्विच ऑन होगा वो तुरंत रोशनी आ जाएगा। हम कितने भी जन्मों तक अज्ञान में क्यों ना हो, अगर हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ गए, भक्ति करेंगे, गारंटेड एक दिन जो है ज्ञान दीपे न भाषिता हो जाएगा, तुरंत जो है अज्ञान चला जाएगा, हमें पता हो जाएगा अरे अरे मैं आत्मा हूं ऐसा, और आगे आगे और ज्ञान भी आने लग जाएगा, तो ये पक्का काम करेगा। ये भक्ति योग का मार्ग, विश्राम कर्म योग का मार्ग बहुत ही श्रेयस्कर है, इसमें लगे रहो, और इस भक्ति योग के मार्ग में जो लगा रहता है, जो अपने जीवन को उसमें लगाया रहता है, उनके कुछ और लक्षण को बताया जाएगा। तद्बुद्धया तद्आत्मना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृतम ज्ञान निर्दोष कल्मषा। जब हम अच्छे बड़े भक्त बन जाते हैं तो हमारा श्रद्धा जो है पूरा भगवान में लग जाता है, निष्ठा भगवान में लग जाता है, बुद्धि भगवान में लग जाता है, मन भगवान में लग जाता है, इंद्रिय भगवान में लग जाते हैं, धीरे 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 हमारे सारे पाप जो है धुल जाते हैं, और हम जो है मुक्ति के मार्ग में या
हम जो है प्रगति के मार्ग में लग जाते हैं। और जिस दिन हम इतने इतने मन पवित्र हो जाता है, हम किसी को भी देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये भी मेरा भाई है। जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है, मैं भगवान का पुत्र हूं, तो हम भी भगवान के पुत्र हैं, हम भी भगवान के जो है संतान हैं। पर फर्क कितना है, भगवान जीसस जो है भगवान का लायक पुत्र है, हम जो है भगवान के थोड़ा नालायक पुत्र हैं। आप बोले अरे 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 रुको रुको रुको, माइक क्या दिया, बोले जा रहे बोले, हम निगड़ी के वासी हैं, सबका बिगड़ी बजाने दूर करने के लिए आए हैं निगड़ी में। आप निगड़ी के वासी हैं, सबका बिगड़ी बस सुधार सकते हैं, पर हम अपने बारे में कह रहे हैं कि हम थोड़ा नालायक। अच्छा ठीक है आगे बोलो। तो जो जो जिसका मन पवित्र हो जाएगा धीरे धीरे, विद्या विनय संपन्न, उनके अंदर विनम्रता आ जाएगा। मैं तो भगवान के द्वारा दिया गया जो ये बाल है, उस बाल का अग्र छोटा सा बाल का 10,000 हिस्सा है, और भगवान विभु है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, जो भी मैं कर रहा हूं वो तो भगवान की कृपा से मैं कर पा रहा हूं, तो मेरे अंदर घमंड क्या है। वो विनम्र हो जाता है, विद्या विनय संपन्न, जो विनम्र रहता है उनको जो है विद्या रूपी जो है संपत्ति प्राप्त होता है। और तब इस विद्या को देखते हैं तो ब्राह्मण को देखता है, हाथी को देखता है, गाय को देखता है, हाथी को देखता है, कुत्ते को देखता है, कुत्ते खाने वाले को देखता है, तो सबको बोलता है ये सब भगवान के पुत्र है। अपने कर्मों के कारण कोई हाथी बना, कोई जो है ब्राह्मण बना, कोई कुत्ता बना, वो सबसे प्रेम करने लग जाता है। पर हाँ सावधानी परखता है, ब्राह्मण के साथ आदान प्रदान करता है, हाथी को दूध से नारियल देता है, नहीं तो नारियल उसके सर पे। और शेर को भी प्रणाम करता है, पर दूर से प्रणाम करता है, नहीं तो शेर आएगा बोलेगा अरे भाई ये भी भगवान इसको भक्त बना दो, तो शेर बोलेगा ठीक है, तुलसी पत्ता सर पे रखे बोलेगा महाप्रसादे। पंडित समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी स्नीचे वसो पाके च पंडिता समदर्शिना। जिस प्रकार से एक सन्यासी जिसका पवित्र हृदय होता है हर एक को जो है भगवान के अंश मानता है, उसी प्रकार से निष्काम कर्म योग के मार्ग में चलने वाला भक्त एक दिन वो भी सबको जो है भगवान के अंश मांगने लग जाते हैं। इतना सुंदर उनका चेतना हो गया। इहा एव तेर्जित सर्गो एषां स्याम ये स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात ब्रह्म नीते स्थित। इस प्रकार से वो उसका मन पवित्र भगवान में लग जाता है, उसका किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, और वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को पार कर लेता है, यहाँ तक कि प्रलय के समय भी आ जाता है, मृत्यु का समय भी आता है, वो भयभीत नहीं होता है, वो भगवान का स्मरण करके भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्यु जब आता है तो भक्त जो है भगवान को स्मरण करते हैं, अभक्त जो है आईसीयू में बैठे रहते हैं, और उनको यमदूत का दर्शन होता है, और उनका जो है पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है, और नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाता है, और तब तक यमदूत उसको निकाल के चला जाता है। पर भगवान के भक्तों का यहाँ पे वर्णन आ रहा है, भगवान के भक्ति करते 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 मृत्यु भी आ जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं, विचलित नहीं होते मन। ना प्राहिर्षे प्रियं प्राप्य निजो नीदो नो त्रिजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिरपुत्र समोनो ब्रह्मविद् ब्रह्मनिष्ठितः। उनके लिए जो कुछ भी उनके जीवन में होता है वो बोलता है कि भगवान जो भी मेरे लिए साथ करता है मेरे अच्छे के लिए करता है। जैसे वो मंत्री का उदाहरण आता है, वो मंत्री जो बोलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राजा का उंगली कटा, सबने बोला अरे अरे राजा ऐसा हुआ, वो बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए, बदमाश मेरा उंगली कट गया, और बोलता जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको जेल में डालो कारागार में डालो, जो भी होता है अब बताओ अच्छे के लिए होता है जाओ। तो ये जो है विचार होता है वो मंत्री का, क्योंकि वो भक्त था, और राजा गया गुस्से में अगले दिन किस शिकार खेलने के, शिकार खेलते खेलते गुस्से में था, इतना दूर गया कि उनको पीछे जो फौज था वो पीछे रह गया, अभी वो बहुत जो है जंगल में चले गया, अमावस का रात था, तब जो है जंगली लोग ने पकड़ा, बोला कि ये तो हमारे लिए सबसे बढ़िया जो है बेट है, पुजारी बहुत प्रसन्न हो जाएगा, काली माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगा, ये मोटा और ताजा है एकदम फ्रेश है। अरे
पकड़ के लेके गया राजा को। रात को जब नहलाया तो बोला, अरे इसका उंगली कटा हुआ है, तो इसको एक लात मारा। तो बोला, अरे जो भी हुआ अच्छा हुआ, आप जोर से लात मारो। बोला, आज अगर मेरा उंगली ना कटता तो मेरा सर कटता, जो भी होता अच्छे के लिए। कारागार में जेल खोला, आप जेल में गए उसमें कैसे अच्छा हो? बोला कि मैं आपका जो है वफादार सेवक हूँ, आपके पीछे पीछे मैं रहता। वो बोलता था ये आउट, फिर बोलता था नेक्स्ट, तो मेरा नंबर लग जाता। अगर आज मैं कारागार में नहीं हो अगर मैं कारागार में नहीं होता तो ये संसार में नहीं होता। इसलिए जो भी होता है, राजा ने बोला, अच्छे के लिए होता है। तो इस प्रकार से जो है प्रियम अप्रियम कुछ नहीं, वो सब वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो जानते हैं जो भी भगवान मेरे लिए करता है अच्छे के लिए करता है। इस प्रकार से वो जो है बहुत सावधान रहता है इस संसार में। वो भक्त जो है जैसे एक शिकारी होता है ना, जैसे एक दूसरे अध्याय में भगवान एक कछुए का उदाहरण देता है। जब उनको लगता है कछुए को खतरा, तो कछुआ अपना मुंह पूंछ दो हाथ दो पांव को कवच में लाता है। इसी प्रकार से वो सावधान रहता है। आज मेरा मन जो है थोड़े थोड़े भगवान में लग गया है, इतने सालों के बाद, जन्मों के बाद प्रभुपाद जी की कृपा से मेरा मन थोड़ा चंगा हो गया, अच्छा हो गया। अब भक्ति भी उनको अच्छा लगने लग जाता है। अब वो बहुत सावधान रहता है कि गलत संग में कभी जाता नहीं है, क्योंकि वो जानता है थोड़ा सा जो है गलत दर्शन हो जाए, गलत बात सुने तो मन फिर से विचलित हो जाए। और वो जानता है ये जो है गलत संगी दुख का कारण होता है, इसलिए बहुत सावधान होता है, अपने आप को बचा के रखता है। और भक्ति में भी उनको आनंद आता है, इसमें जल्दी उठना भक्तों के संग में और उसमें रमन करने लग जाता है। और वो कहता है यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न ए बते आदि अंत बत्तु कौन्तेय नाते रमते बता। और वो बहुत सावधान रहता है, कभी डिस्को डिस्को में नहीं जाता है, वो कभी क्लब में नहीं जाता है, कभी जो है वो मांस मछली खाने नहीं जाता है। ये जो है नर्क का द्वार है, यहाँ पे भोगा लिखा है, और पिछले श्लोक में 21 में योगा लिखा है। वो योग के द्वारा जो है भगवान को प्राप्त करेंगे, और भोग जो है 22 में लिखा है। ये भोगा है, भोग जो है बहुत ही खतरनाक है, भोग से रोग हो जाता है और योग से हम निरोग निरोगी बन जाते हैं। तो ये भोग जो है सबसे खतरनाक है। हम जो भी भोग, वास्तव में ये मनुष्य शरीर या कोई भी शरीर भोग के लिए नहीं है। अगर हम थोड़ा मीठा खाएंगे डायबिटीज, थोड़ा तीखा खाएंगे अल्सर, थोड़ा नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर, और खाएंगे नहीं तो भगवत धाम एकादशी में। तो भोग जो है रोग का कारण होता है, ये मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं है, सेवा कर सकते हैं। तो यही संस्पर्श का जो भोगा, ये भोग जो है दुख का कारण है, आदि अंत मंतर। ये जो बुद्धिमान वो अपने आप को जो है बचा के रखता है भोग से, और इस प्रकार से वो आगे चलता है। और दो तीन श्लोक है, छोटा अध्याय है, पूरा ही कर लेते हैं। सपनोती इहा एव यासूदं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सायुक्ता सा सुखी नराम। इस प्रकार से वो इतना सुख का अंदर अनुभव करता है भगवान के भक्ति में, धीरे 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 उनको मंगल आरती बहुत अच्छा लगने लग जाता है, प्रभुपाद जी का धुन और अच्छा लगने लग जाता है, भक्तों का संग और अच्छा लगने लग जाता है। और जो है अंदर ही अंदर भगवान को गुणगान करता है, भगवान आपने मुझे बहुत बड़े खतरे से बचा दिया, गलत लोगों से बचा दिया, भगवान आपने भक्ति में लाया, प्रभुपाद जी का संग दिया, इस आंदोलन का संग दिया, बहुत अपने आप को धन्यवाद अदा करता रहेगा। इस प्रकार का उनको विचार आने लगे। ये उनके लिए जो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अब वो निगड़ी वालों के लिए है ये बात क्योंकि उनका बिगड़ी सब खत्म हो गया है। यो अंत सुख अंतर यो अंतर सुखो अंतर आराम तद अंतर ज्योतिर्एव सायोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म मुक्तो अधिगच्छति। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़ते 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 जो है बहुत सहन करता रहता है, सहन करता है, सहन करता है, सहन करता है। ये जो है सब जो है सहन करते रहता है, सहन करता रहता है, और एक दिन आता है बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है और भगवान का
धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, वो कब तक इस बातों को सहन करेगा? तो भगवान कहते हैं जब तक वो शरीर में रहेगा तब तक उनको ये सब सहन करना होगा। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने आप को काम क्रोध लोभ के जो 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 जो, जो माया के द्वारा दिया गया चमक दमक का जो झलक है उसे उससे प्रभावित नहीं, उसे उसे सहन करना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा था सुबह मंजिल, उसके साथ एक और व्यक्ति आया और फिर एक मोटा व्यक्ति भी आया, तीन जन थे। और मोटा व्यक्ति को जाना था 25वें मंजिल में, और वो मोटा व्यक्ति जो इस पहला वाला व्यक्ति को बहुत मार रहा था, बहुत मार रहा था, बहुत मार रहा था, ढेर धनाधन ढेर धनाधन, पर तीसरा व्यक्ति जो था चुप था, वो डर गया था। वो बोला कि ये पहला व्यक्ति इतना मोटे से इतना मार क्यों खा रहे हैं, वो सहन क्यों कर रहे हैं, कुछ बोले तो। फिर 25वां मंजिल जब आया मोटा आदमी चला गया, अभी जान में जान आया। तीसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से पूछ रहा है 25वें मंजिल तक ये मोटे आदमी ने आपको बहुत मारा, आपने सहन क्यों किया? बोला देखिए मुझे मालूम था थोड़ी देर की बात है, वो 25 मंजिल में उतरेगा और मैं 100 मंजिल में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं कुछ बोलूं तो हो सकता है मैं 25 मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, हो सकता है मेरा दांत भी नहीं रहेगा और हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा। 100 मंजिल दूर की बात, सहन कर लिया, अब देखो मैं थोड़ी देर में 125 मंजिल पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह का सहन करते 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 वो भक्त जो है उनको मालूम है मुझे भगवान को प्रसन्न करना, ना कि ये लोग ये छोटे मोटे लोगों के साथ तू तू मैं करना है। और इस प्रकार से वो अपने आप को बचाते बचाते जब तक शरीर है तब तक सहन करना है, और कुछ जो सहा वो रहा, जो नहीं सहा वो चला गया। लाभान्ते ब्रह्म निर्वाणम् रासयशिना कल्मषा छिन्नाद्वैतयतात्मना सर्वभूतैर्तेरता। इस प्रकार से वो व्यक्ति सन्यासी जैसे, भगवान का शुरुआत भी ऐसे ही हुआ था, दोनों निष्काम कर्मी योग और सन्यास। अगर पवित्र भाव से सन्यास रहेगा और पवित्र भाव से उचित स्तर पे निष्काम कर्म योग के स्तर पर आएगा, काम क्रोध से मुक्त हो जाएगा और उनका मन शांत रहेगा, और वो जो भी करेगा उससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। अरे भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। श्री श्री राधा गोविंद जी की, इसीलिए भगवान ने फिर से दर्शन दिए। भगवान आप सब निगड़ी वासियों से प्रसन्न हो गया। तो काम क्रोध विमुक्त विमुक्त आत्मा याति नाम यात चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। तो इस प्रकार से वो काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, परम सुख को प्राप्त कर लेता है, और ब्रह्म सुख यानी कि भगवान का जो जो सुख अनुभव करते हैं वो सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं, एक तो संन्यास लेना यानी कि अष्टांग योग करना, तो वो बताते हैं भगवान। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बायान चक्षु चैवंतरे भ्रुवो प्राणपानो समा समो कृत्वा नाशाभ्यंत्र चारिनो। जंगल में जाओ, अपने जंगल में एक अच्छा स्थान ढूंढो और दोनों आंख को पूरा ना खोलो, पूरा बंद मत करो, नाक के अग्रभाग में देखो, इस प्रकार से प्राणायाम इत्यादि करो। और ये सब करते करते यथा इंद्रिय मनोबुद्धि मुनीर मोक्ष परायणा वेगाते चा बाह्य क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। इस प्रकार से अपने बाहर के इंद्रियों को बंद करते हुए अंदर ही अंदर परमात्मा का दर्शन करें। इस प्रकार से करते करते वो अष्टांग योग के मार्ग में जो है आगे बढ़ के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका तद्विधि प्रणिपातेन, आप भगवान के गुरु के पास जाओ, उनसे कथा श्रवण करो, उनका आज्ञा पालन करो, सेवा करो, और ये करते करते हमें जो है हमारा मन जो है भगवान के नाम गुण रूप लीला में लग जाएगा, और जो है हम ये अनुभव करने लगेंगे कि भगवान सबसे बड़ा भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम सुहृदं सर्वभूतानां प्रपमां शांति। और इस प्रकार से वो शांति का
अनुभव करने लगेगा। वो जान लेगा कि भगवान भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, वो भगवान जो है राधा गोविंद जो है सब चीज का भोक्ता है। तो ठीक है, वो भोग कर रहे, मेरा क्या है? वो रासलीला खेले तो मेरा क्या है ना? वो रासलीला करे या कुरुक्षेत्र लीला, मैं यहाँ पे दुखी हूँ। नहीं, वो भोक्ता राम है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, वो सर्वलोक महेश्वरम है। कभी कभी बड़ा सेठ जो है पिकनिक में जाता है, पिकनिक में जाते हैं 1 महीने के लिए, तो क्या हो जाता है, उनके मैनेजर लोग यहाँ पे माल मसाला लेके गायब हो जाते हैं, उसका पूरा धंधा चौपट कर देते हैं। पर भगवान वैसे मालिक नहीं है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सारे मैनेजर उनके कंट्रोल में है। इसीलिए दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, भोक्ता राम एक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, सबको कंट्रोल। एक पत्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिल नहीं सकते। हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये भगवान सुन रहे हैं, यानी कि भगवान ने आज्ञा दिया तब हो रहा है, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, पर इसमें मेरा क्या है? सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, इडियामिन जैसे डिक्टेटर सबको कंट्रोल कर रहा है, पर भगवान इडियामिन जैसे डिक्टेटर नहीं, स्टालिन जैसे डिक्टेटर नहीं, वो हमारे सुहृद है, इज अवर बेस्ट फ्रेंड। अपना कौन है? भगवान है। अपना कौन है? भगवान है। पहले अध्याय को याद करो, अर्जुन क्या कह रहा था, मैं पांडवा हूँ। आप पांडवा नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा। ये दूसरा अध्याय। फिर वो क्या, दुश्मन कौन है? वो बोला कौरव है। अरे दुश्मन कौरव नहीं, दुश्मन कौन है? काम एशिया, और चाइना एशिया, पाकिस्तान एशिया, रजगुना समुद्र भगवान नहीं है। फिर बोलते हैं, फिर चौथे अध्याय में भगवान अपने कौन है, तो गुरुजन अपने हैं जो दिव्य ज्ञान देते हैं। और अब एकदम स्पष्ट कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम भूतानां ज्ञातमाम शांति मृच्छति। भगवान अपने हैं, वो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, और वो छोटे मोटे मित्र नहीं है, सारे ब्रह्मांड के वो मालिक है, और तो और सब कुछ उनके नियंत्रण में, और तो और वो बहुत ही बड़ा जो है भोक्ता भी है, यानी कि उनका सेवा करते करते रहेंगे हमें भी बहुत सारा सुख का मिलेगा। एक बड़ा सेठ होता है अडानी अंबानी, उन बॉम्बे में अडानी का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जिसका नाम क्या है, अटलांटस के ऐसे कुछ नाम है। हाँ, एंटी एंटी लिया, हाँ अंतरंग लिया, जो भी है, जो एंटीलिया नाम के इसमें, अभी एंटीलिया में अंबानी जो है मेरे ख्याल से साल में 20 दिन जाता है, बाकी जो है टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, जो भी है, वो उनके जो मैनेजर है और चपरासी है, वो लोग मजा मार रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान रासलीला में रास खेलते रहेंगे, हम लोग जो है गोकुल में या गोलोक में हम अपना जो है भगवान की सेवाएं में रहेंगे और आनंद का अनुभव करते रहेंगे। जितना अंबानी जो है वो बड़ा मकान का लाभ नहीं ले रहा था, हम गोलोक में जाके जितना सुख भगवान गोलोक में नहीं ले पा रहे, उससे भी ज्यादा सुख हम अनुभव करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, ये बात पता लग जाएगा तो शांति प्राप्त करेंगे, ज्ञातमाम शांति रिचति। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ये असली जो है पीस फॉर्मूला है, शांति का सूत्र यह है। इस संसार में दो महायुद्ध हुए, विश्व युद्ध एक, विश्व महाविश्व युद्ध एक और महाविश्व युद्ध दो, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सबको एक करने का एक आंदोलन बनाया। पर देखा गया कि जितना वो बनाया तो 50 देश का 100 देश हो गया, अभी 150 देश, यानी कि छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, अशांति बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है छोटे छोटे बातों में, 1/2, 2/4, छोटे छोटे बातों में बट गया संसार। पहला परिवार एक था, अब परिवार दो हो गया, अभी चार हो गया, अभी सब अलग अलग हो गए, तो छोटे छोटे बातों में अशांति बढ़ रहा है। पर धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी का आंदोलन, प्रभुपाद जी के आंदोलन में कृष्ण और जो एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि जू ने कृष्ण को बहुत मारा था,
तो दोनों पर प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम देखते हैं जू और क्रिश्चियन दोनों एक साथ खेलते हैं, और काले और गोरे एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, पर प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम देखते हैं काले गोरे एक साथ, और हिंदू और मुसलमान में कभी बनता नहीं है, पर प्रभुपाद जी के आंदोलन में हिंदू मुसलमान एक हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के आंदोलन जो है असली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, श्री प्रभुपाद की। और सच में वो लोग सब जो है, चाहे काला हो या गोरा हो या पीला हो, जिसका नाप चपटा हो या नोकीला हो, लंबू हो या टिंगू हो, सब जो है मिलके हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, प्रेम से सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं। तो ये जो है भगवान का भक्ति इतना सुलभ है, इसमें अगर हम लगे रहेंगे, हम कितने भी निकृष्ट क्यों ना हो, एक दिन हम भी उत्कृष्ट बनेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मिनी बनाया, जापानीज को जब्बा में लगा, दुखी को सुखी बनाया, जीरो को हीरो बनाया। तो आप सब निगड़ी के वासी हैं, आप सब भी भक्ति में लगे हुए हैं। भारत भूमि मनुष्य जन्म होयल जात, जन्म सार्थक करे करो परोपकार। तो आप निगड़ी वासियों का क्या कहें, निगड़ी भूमि मनुष्य जन्म होयल जात, जन्म सार्थक करो करो परोपकार, यानी कि दूसरे का बिगड़ी को बदल जो है सुधारने के लिए आपको मिला है जन्म निगड़ी में। तो अच्छा भक्ति करो और निगड़ी का नाम रोशन करो, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अच्छा भक्ति का अर्थ होता है आज से लेके शरीर छोड़ने तक सब कुछ सहन करेंगे और भक्ति में लगे रहेंगे। वैष्णव अपराध नहीं और वैष्णव निंदा नहीं, खूब सेवा करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, और सबका बिगड़ी को निगड़ी के वासी सुधार करेंगे। हरे कृष्णा।